दोस्तों, आज मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बड़ा ही आसान परंतु बहुत ही शक्तिशाली प्रयोग बताऊंगी, जिससे आपके दिन की शुरुआत बहुत अच्छी रहेगी और पूरा दिन भी अच्छे से बीतेगा। मनुष्य इस दुनिया में तीन सबसे महत्वपूर्ण चीजें चाहता है और वह है अच्छी सेहत, अच्छी कमाई, अच्छी बुद्धि। तो ऐसा वरदान पाने के लिए लोग अलग अलग तरह के उसके अपनाते हैं, परंतु मैं आज एक वैदिक रीति के अनुसार एक प्रयोग बताने जा रही हूँ, जिसको करने से आपको तीनों ही चीजें वरदान के रूप में हमेशा प्राप्त रहेगी। ये विधि है सुबह उठते ही सबसे पहले भगवान को याद करना, फिर अपनी दोनों हथेलियों का दर्शन करना और अंत में धरती को प्रणाम करना। जी हाँ, यह इतना ही आसान है परंतु इसके लाभ उतने ही अधिक हैं। तो आइए दोस्तों, इस विधि को विस्तार से जानते हैं और विधि पूर्वक मैं बताती हूँ। तो मैं चाहती हूँ पहली बार आप इस छोटे से वीडियो को पूरा देख ले और दूसरी बार चलाकर दिए गए विधि को नोट डाउन कर ले। और आगे चलने से पहले मैं हमारे नए दर्शकों को बताना चाहती हूँ कि मैं हूँ आपकी निशा भारती और इस चैनल पर हम बहुत ही महत्वपूर्ण और लाभकारी जानकारियां नियमित रूप से लाती हूँ। इसलिए अगर आप में से अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे फौरन सब्सक्राइब कर ले। तो आइए दोस्तों, सुबह सवेरे उठकर सबसे पहले दोनों हाथ जोड़कर प्रभु को प्रणाम करें और फिर हाथ खोलकर अपनी हथेलियों को ध्यान से देखें। शायद आपने कई बार अपने बड़े बुजुर्गों के मुख से भी ये बातें सुनी होंगी, परंतु क्या आप जानते हैं कि इसके पीछे वैज्ञानिक और वैदिक तत्व क्या है? आखिर ऐसा करने से क्यों और कैसे लाभ मिलता है? तो आइए आपको कुछ ऐसे तथ्यों से परिचित करवाती हूँ ताकि आप इस आदत को अपना कर एक सुखमय जीवन की ओर कदम बढ़ाए। हमारे शास्त्रों में ऐसा कहा गया है कि ब्रह्मा जी सृष्टि के रचयिता भी है। उन्होंने हमारे साथ की उंगलियों में धन की देवी लक्ष्मी, हथेली के मध्य में बुद्धि, सुख समृद्धि की देवी सरस्वती और कलाइयों में नारायण तीनों का वास स्थापित करवाया है। इसलिए सुबह सुबह इनके दर्शन करना शुभ माना जाता है। तत्पश्चात आप ऐसा संकल्प करें कि आप ऐसे काम करेंगे जो आपको उत्साहित और ऊर्जावान बनाए रखे, ना कि ऐसी दिनचर्या जिससे आपका पूरा दिन तनाव और परेशानी में बीते। सुबह उठते ही हथेलियों का दर्शन करने के पीछे यही संदेश है कि हम परमात्मा से अपने कर्मों में पवित्रता और शक्ति की कामना करते हैं। संसार का सारा वैभव, शिक्षा, पराक्रम हमें हाथों के जरिए ही मिलता है, इसलिए दिन की शुरुआत अच्छी हो तो पूरा दिन ही अच्छा बीतता है। तो इसके पीछे एक मंत्र जाप भी किया जाता है। दर्शकों, दोनों हथेलियों को मिलाने के बाद तथा उनके दर्शन करने के साथ साथ अगर आप मंत्र का जाप करें तो बहुत ही उत्तम होगा। यह मंत्र है, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, कराग्रे वस्ते लक्ष्मी कर मध्ये सरस्वती कर मूले तु गोविंदा प्रभात कर दर्शनम। अर्थात मेरे हाथ के आगे वाले भाग में महालक्ष्मी, मध्य भाग में सरस्वती और मूल भाग में स्वयं विष्णु निवास है। मैं इन्हें प्रणाम करती हूँ या फिर करता हूँ, इनके दर्शन करती हूँ। हाथों का ही दर्शन क्यों आवश्यक होता है? हमारी संस्कृति में कर्म करते रहने का संदेश दिया गया है। केवल अपने कर्मों से ही अपने जीवन को स्वर्ग की ओर या नर्क की ओर ले जाते हैं। अब इस विधि का दूसरा चरण, जब आप पलंग से उठे तो आप सीधे अपने पांव भूमि पर ना लगाएं, परंतु अपने दोनों हाथों से भूमि का स्पर्श करें और नमस्कार करें। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार धरती को माता का दर्जा दिया गया है। भूमि देवी है, माँ है, इसलिए आदरणीय है। यही कारण है कि हमें सुबह उठते ही उन पर पांव रखकर उनके निरादर नहीं करनी चाहिए। इसलिए सबसे पहले आज से धरती का स्पर्श, हथेली को माथे से लगाएं और फिर इसके बाद ही पांव नीचे रखें। मित्रों, मुझे यकीन है अगर आप ये छोटी सी दिनचर्या को आप अपनी आदत बना लेंगे तो आपको कई लाभ प्राप्त हो सकता है। धन्यवाद।